तो भैया ईद के दूसरे दिन हम लोग आ चुके हैं बकरा लेने के लिए, और यहाँ पे बकरा मिल रहा है आपको 2 लाख तक का, 2.5 लाख तक का बकरा मिल रहा है यहाँ पे। और अगर आप लोगों का बजट जो है वो 15 से 20 हज़ार तक का बजट है तो भी आपको बकरा मिल जाएगा। ये देखो ये तो तब पर ही, और पता नहीं कौन कौन सी कास्ट के यहाँ पे बकरा है। हाँ भाई साहब बकरा बताओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज जो है ईद का दूसरा दिन और हम लोग जा रहे हैं बकरा लेने के लिए ईद के दूसरे दिन, क्योंकि ईद के दूसरे दिन कहते हैं बकरे के जो रेट होते हैं ना थोड़े कम मिल जाते हैं। पहले दिन जो भाई 2 से 2.5 लाख तक का बकरा मिल जाता है, और आप देखते हैं 15 से 20 हज़ार के रेंज पर अगर मिल जाता है तो देख के उठा के लेंगे हम लोग भी। तो चलिए इंसान करते आज का नहीं बोला, चलते हैं। तो भाई जामा मस्जिद पहुँचने के बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे इस मंडी के अंदर, और यहाँ पे आपको 2.5 लाख 3-3 लाख तक का बकरा मिलेगा। इतना महंगा बकरा असल में होता भी ये नहीं होता है, हम लोग ये भी देखेंगे। और दूसरा भाई अपने बजट में देखेंगे अपने बजट में कौन सा बकरा यहाँ पे मिल रहा है। ये तो ठीक के बकरे लग रहे हैं थोड़े थोड़े। हाँ भाई साहब कोई सुनने को राजी नहीं है, चलो देखते हैं। और यहाँ पे जो बकरा है भाई दोस्तों, वो यहाँ पे हरियाणा और मेवात नू इन जगहों से ज़्यादा बकरा आया हुआ है यहाँ पे। ओ भाई साहब ये 2 काले शेर बैठे हुए बकरे कम लग रहे हैं शेर। ओ भाई साहब ये कितना बचा भाई साहब, इसके रेट कितने इतना? ओ भाई 2 लाख रुपए। ओ भाई साहब वहाँ पे तो बहुत महंगे बकरे मिल जाते हैं, इस एरिया में देखते हैं इस वाले ब्लॉक में किस रेंज में बकरे मिल जाएंगे। ये देखो ये जो यहाँ पे जो बता रहे हैं यहाँ पे मेवात का माल है भाई, सारा मेवात का माल, और एक ही परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग को जो है ये बकरा पसंद आ चुका है, ठीक है, हमारे बजट में भी है और अच्छा है, मतलब सही है। तो हम लोग इसकी फाइनल फ़ोटो अभी वीडियो के एंड में डालेंगे इसकी फाइनल फ़ोटो, ठीक है। तो मिलिए दोस्तों हमारे बकरे से, इतना खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं आप कितना शानदार लग रहा है बकरा।